हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th CBSE एंड यूपी बोर्ड की NCERT पैटर्न की पोयम अ थिंग ऑफ ब्यूटी, कंपोज्ड बाय जॉन किट्स, हु वॉज अ रोमांटिक पोएट. जॉन किट्स वॉज नोन एज ब्रिटिश रोमांटिक पोएट, वॉज बर्न इन 1795 एंड डैड इन 1821. इन्होंने लिखा है अ थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉरएवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इट विल नेवर पास इन टू नथिंगनेस बट विल कीप अवर क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग. अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर, एक सुंदरता वाली वस्तु हमें सदैव आनंद प्रदान करने वाली होती है. अ थिंग ऑफ ब्यूटी, एक सुंदर वस्तु, इज अ जॉय फॉरएवर, हमें हमेशा आनंद देती है. इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, ये जो सुंदर वस्तु होती है इसकी प्यारापन बढ़ती जाती है, इसका प्यारापन सुंदरता बढ़ती जाती है. इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, और यह कभी भी शून्य में परिवर्तित नहीं होती, यह कभी तुच्छता में परिवर्तित नहीं होती. बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस, परंतु हमारे लिए यह एक कुंज अर्थात शांत स्थान प्रदान करती है. इट विल बट विल कीप अ बोअर क्वाइट फॉर अस, यानी यह हमें क्या प्रदान करता है, एक शांत कुंज, वृक्षों का एक शांत कुंज जिसके नीचे हम तपते गर्मी में आराम कर सकते हैं प्रदान करती है. एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और मधुर सपनों से भरी हुई एक नींद और स्वास्थ्य और निश्चल श्वसन प्रदान करती है. यानी एक सुंदर वस्तु हमें मधुर सपने, नींद, स्वास्थ्य और निश्चल श्वसन यानी असीमित श्वसन, प्यारा सा श्वसन हमें प्रदान करती है. Therefore, on every morrow, are we raising a flowery band to bind us to the earth? In spite of despondence, of the inhuman dearth, of noble nature, of the gloomy days, of all the unhealthy or over-darkened ways made for our searching as, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits. Therefore, इसलिए ऑन एवरी मारो, मारो मीन्स टुमारो से मीन्स है यानी हर आने वाला सुबह. आर वी रेडिंग अ फ्लावरी बैंड, क्या हम एक फूलों का बंधन बना रहे हैं, टू बाइंड अस टू अर्थ, ताकि हम अपने आप को इस पृथ्वी से जोड़ सकें, बांध सकें. स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, इस संसार में अत्यंत निराशाएं भरी हुई हैं, इन निराशाओं के बावजूद आफ इन द इनह्यूमन डर्थ आफ नोबल नेचर आफ द ग्लूमी डेज आफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज मेड फॉर आवर सर्चिंग एस इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल फ्रॉम आवर डार्क स्पाइट. देयरफॉर ऑन एवरी मोरो, इसलिए हर आने वाले कल, आर वी रेडिंग अ फ्लावरी बैंड टू वाइन अस टू अर्थ, क्या हम लोग फूलों का एक बंधन बना रहे हैं इस पृथ्वी से जुड़ने के लिए, पुष्पों का एक माला बना रहे हैं इन निराशाओं के बावजूद, स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस ऑफ इन ह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर, श्रेष्ठ आचरणों स्वभावों के अमानवीय कमी के बावजूद, यानी यहाँ पे श्रेष्ठ आचरण करने वाले, अच्छे आचरण करने वाले लोग नहीं है, उसके कमी के बावजूद, ऑफ द ग्लूमी डेज, इस उदासी भरे दिनों के बावजूद, ऑफ ऑल अनहेल्दी, इस अस्वास्थ्यकर कष्टदायक जीवन के बावजूद, आर ओवर डार्कन वेज मेर फॉर आवर सर्चिंग, सभी अस्वास्थ्यकर कष्ट के बावजूद और अंधेरे से भरे हुए रास्तों के बावजूद, हम अपनी खोज को जारी रख पाते हैं, हम अपनी खोज को जारी रख पाते हैं. वेज मेड फॉर आवर सर्चिंग इस इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट. हाँ, इन सब के बावजूद, इन परेशानियों, कष्टों, डिस्पोंडेंस, निराशाओं के बावजूद, अस्वास्थ्यकर के बावजूद, हाँ,
इन सब के बावजूद कुछ सुंदर आकार की कोई वस्तु हमारी अंधकारमय आत्माओं पर पर्दा डाल देती है। इट मीन्स अ थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर, इसका मतलब यह है कि ये सुंदर वस्तुएं इन अमानवीय चीज़ों के होने के बावजूद भी हमें आनंद देती है। सच द सन द मून ट्रीज ओल्ड एंड यंग इज स्प्राउटिंग अ शैडी बून फॉर सिंपल शीप एंड सच आर डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन एंड क्लियर रिल्स दैट फॉर देमसेल्फ अ कूलिंग कवर्ट मेक जेंट द हॉट सीजन द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिथ विद अ स्प्रिटिंग ऑफ एयर मस्क रोज ब्लूम्स। सच द सन द मून, यानी जिस प्रकार से सूर्य चंद्रमा पुराने वृक्ष नए वृक्ष स्प्राउटिंग अ शैडी बून हमें शैडी बून देते हैं, हमें छाया प्रदान करते हैं फॉर सिंपल शीप। ये जो सूर्य है, ये जो चंद्रमा है, ये जो वृक्ष है, यह केवल मनुष्यों को नहीं, यहाँ तक कि साधारण भेड़ों को भी छाया प्रदान करते हैं। एंड सच आर डैफोडिल्स, और ठीक इसी प्रकार डैफोडिल्स पीला कनेर का फूल, डैफोडिल्स का फूल भी होता है जो सबके लिए होता है। विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, इस हरियाली भरे संसार में जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं, यह सबको सुगंध प्रदान करता है। एंड क्लियर रील्स, देखिए स्पष्ट रील्स इज नोन एज रिवर, रील्स का मतलब क्या है, नदी से आशा है इसका। दैट फॉर देमसेल्फ अ कूलिंग कवर्ट मेक जेंट द हॉट सीजन, इस गर्म इस राक्षसी धूप में मौसम में ये जो स्वच्छंद जल होती हैं, नदियाँ होती हैं, हमें ठंडक प्रदान करती हैं। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, और ऐसे ही जंगल के बीच की जो झाड़ियाँ हैं जिसमें स्वच्छंद कस्तूरी गुलाब के फूल खिलते हैं, ये सभी को खुशबू प्रदान करती हैं। And such too is the grandeur of the dooms we have imagined for the mighty dead. All lovely tales that we have heard are read an endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heaven's brink. And such too is the grandeur of the dooms we have imagined for the mighty dead. Or aise hi वैभव से भरे हुए ये जो बुजुर्ग रहे हैं, पराक्रमी और महान लोग रहे हैं जो अब मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, हम उनके दिनों की कल्पना करते हैं। एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड, और ऐसे ही वैभव की हमने अपने पराक्रमी मृत बुजुर्गों के प्रलय के दिल के दिनों की जो कल्पना की है। All lovely tales that we have heard or read, जो उनके बारे में, उनकी वीर गाथाओं के बारे में हम लोगों ने प्यारे प्यारे कहानियों को सुना है, पढ़ा है। An endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heavens brink, और ऐसे ही अमर पेय प्रदान करने वाली जो अनंत फव्वारे हैं, जो स्वर्ग के किनारे पर हमें डुबो रखा हुआ है, हमें अमृत पेय प्रदान करते हैं, हमें अमृत पेय प्रदान करते हैं। मैंने एक एक लाइन, एक एक शब्दों का व्याख्या किया, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर समझ में ना आया हो तो वीडियो को एक बार और देख लें। दैट्स ऑल दोस्तों।